जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ जाए, समझ लीजिए। हाँ या ना, पहले जवाब दीजिए। हाँ या ना, बिल्कुल जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा लगातार। ऑल राइट, तो फिर आपके टाइम पर जो हत्याएं हुई है जंगल राज वो नहीं था। अपने टाइम को छुपाएंगे और इनके टाइम को कहेंगे बर्बाद। अरे अपना भी तो झांक लीजिए ना, बेशर्मी मत कीजिए, बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, आप बहुत तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। खबरदार, जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने घेरेबंद में जाइए। मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे, सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया, आई एम टेलिंग यू, काम डाउन एंड आंसर ऑल माय क्वेश्चंस, और अगर नहीं तो फिर आप यहां से निकल जाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वायरल डिबेट शो के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है रूबिका लियाकत के शो गूंज का। और दोस्तों, आज की इस डिबेट के अंदर अभी हाल ही में जो मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है, उसी मुद्दे पर आज की है बहस, जिसमें दोस्तों रूबिका लियाकत अनुराग भदौरिया साहब से कुछ ऐसे सवाल पूछेगी जिसका वो जवाब तो नहीं देंगे, बल्कि रूबिका लियाकत के पत्रकारिता पर ही सवाल खड़ा कर देंगे, जिसको देखते हो दोस्तों रूबिका लियाकत आज की इस डिबेट में भड़क जाएगी और अनुराग भदौरिया को बहुत बुरी तरह से इस डिबेट के अंदर धो के रख डालेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यायिक जांच की मांग हुई, मांग पूरी कर दी गई। एक माफिया की हत्या है कि मौत है, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वोट है? रूबिका जी, आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए। हाँ, मैं तो देख रहा था कहीं बुलाया मैंने, वो नहीं आया। में कहीं बीजेपी के प्रवक्ता दिखाई दे जाए। मैंने बुलाया था, वो नहीं आए। नहीं, हाँ, क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि मुंह छुपा रहे हैं, जवाब नहीं है ना। आज मैं अगर उनके पास सही होता तो आज चोरों के बैठे होते ना। उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप सवाल हो गया, आप बता दीजिए बीजेपी प्रवक्ता क्यों नहीं आए? सत्ता में है ना। मैं सवाल पूछ रही हूँ मुख्तार अंसारी के रिलेटेड। अगर बीजेपी प्रवक्ता है तो बता दीजिए। मैं अंसारी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब देंगे तो स्क्रीन पर रहेंगे और बीजेपी बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। जवाब दूंगा, लेकिन मेरा मेरा बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछती रहूंगी। अभी आपकी सरकार 2005 की क्यों नहीं न्यायिक जांच के आदेश माने मुलायम सिंह यादव ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे आप एक सवाल पांच बार सवाल मत पूछिए। आप रिपीट करेंगे, मैं भी रिपीट करूंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले क्यों नहीं आए। रिपीट कर रहे हैं ना, मैं वापस रिपीट करूंगी, क्योंकि हम सत्ता में, क्योंकि हम सत्ता में, हम सत्ता वालों से सवाल पूछेंगे, सत्ता से को जवाब देना होगा। न्याय जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? जवाब नहीं बनती नहीं है आज। न्याय जांच दिए, न्याय जांच के आदेश दिए कि नहीं दिए? पत्रकार की तरह आप पत्रकार हैं। मैं सवाल पूछूं, सवाल का जवाब दीजिए। जो बीजेपी आज आई नहीं है, मैं जनता के सामने सवाल का जवाब दीजिए। जो मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे, देख लो जनता, आज अनुराग भदौरिया एक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए, बेशर्मी मत कीजिए। लेकिन बीजेपी, बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, बेशर्मी मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। न्याय जांच के आदेश देने से क्यों आप लोग कतराए और क्या आज की तारीख में न्याय जांच के आदेश दिए गए कि नहीं दिए? जनता पार्टी के आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग जी, दिस इज इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। अनुराग जी, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, दिस इज नॉट डन। नहीं, आपको लग रहा है कि लाइटली आप इतना ड्रामा करते रहेंगे और ये ड्रामा मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? मैं कोई, मैं आप ये फालतू की बातें मेरे साथ मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। आप क्यों टोक रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मत कीजिए मेरे साथ। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, आप बहुत तमीज के दायरे में रहकर मुझसे बात कीजिएगा। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। खबरदार, जो आपने मेरे इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, अपने गिरेबान में जाइए, अपने गिरेबान में जाइए। बेशर्मी मेरे साथ मत करना अनुराग भदौरिया, मैं पहले बता रही हूँ। मैं एक बार बर्दाश्त करूंगी, दो बार बर्दाश्त करूंगी, हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप घटिया, अपनी राजनीति अपने पॉकेट में रखिए, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। आपके पास कोई अगर प्रूफ है तो मुझे बताइए, घटिया आरोप मुझ पर मत लगाइए। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं सवाल पूछूंगी, आपको कंपन होती है तो होती रहे, सवाल पूछना मेरा काम है और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको मेरे सवालों से, आपको मेरे सवालों से डर लगता है, इसीलिए आप इधर उधर करने लगते हैं। मैं फिर बता रही हूँ अनुराग भदौरिया, दिस इज द लास्ट टाइम, वरना कोई बात नहीं, आप मेरे शो में मत आइएगा। लेकिन बार बार मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप
मत लगाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सरकार डिबेट में क्लियर, अरे आप जो आपको जिसको जो बोलना है कीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी से पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल मत उठाइएगा अनुराग भदौरिया, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, डू नॉट क्वेश्चन माई इंटेग्रिटी मिस्टर अनुराग भदौरिया। आई एम टेलिंग यू काम डाउन एंड आंसर ऑल माई क्वेश्चन, और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ से निकल जाइए, डिबेट से चले जाइए। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे मैं बोलना सुना तो आप मुझे बोले दीजिए, तो आप चुप। आप मेरे ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जो बोलना है बोलिए, मेरे ऊपर मत सवाल उठाइए। आप बार बार टोकेंगे, आप बार बार टोकेंगे, मुद्दे से भागेंगे तो मुझे मुद्दे पे रखना होगा। आई एम क्लियर, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है, जवाब दे दिया है। मुझे डू नॉट क्वेश्चन माय इंटेग्रिटी, बोलने दीजिए आज भारत। अरे आप बोलने तो दीजिए, अब तो हो गया ना, अब आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। कि मुझे जहर दिया जा रहा है। हाँ। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंत सामने आना, आके उसकी इंक्वायरी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसे सजा दिलवाना, यही तो सरकार का काम है। तो सरकार ये काम ना करके सरकार के ऊपर यही सवाल, यही सरकार के ऊपर उठ रहा है। तो अस्पताल में नहीं थे वो, इलाज नहीं हो रहा। अच्छा ये बताइए, नहीं नहीं नहीं, कब हुआ, कब, कितने दिनों से मांग हो रही है, खुद चिट्ठी कोर्ट में लगाई गई है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज्यादा, अगर कोई कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, उनको नहीं ले जाएंगे, ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना। पहले उनका इलाज हुआ, 14 घंटे वो अस्पताल में रहे, उसके बाद उनको छुट्टी मिली, मुझे वेदांता हॉस्पिटल, फिर वापस उनको अस्पताल में भेजा। अरे फिर मांगने को तो सामने वाला ताजमहल मांग लेगा। परिवार ये मांग कर रहा था, नहीं नहीं मांगने को नहीं, परिवार मांग कर रहा था, सुन लीजिए मेरी बात, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। परिवार मांग कर रहा था, बार बार परिवार शंका जाहिर कर रहा था, परिवार शंका जाहिर कर रहा था, इसलिए सवाल उठ रहा है। और फोन पे जो बात हुई है उससे भी सवाल उठ रहा है, सवाल इस बात का उठ रहा है, वो सवाल उठेगा लाजी में। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आ गया है, जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज आ गया है, समझ लीजिए। हाँ या ना, पहले जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। बिल्कुल, जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा, लगातार हो रही है। तो फिर आपके टाइम पर जो हत्याएं हुई है जंगल राज, वो नहीं था। मैं आपको आंकड़े बता दूं, हमारे टाइम पे आप चले गए। अरे आप कह रहे हैं कि जब मैंने आपको, अच्छा आप जितेंद्र यादव के बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं, अचानक तो नहीं ये आंकड़े चला रही हूं। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, जितेंद्र यादव पर दोष मत बोलना। मैंने तो आपको पूरा सुन लिया, उत्तर प्रदेश में कस्टडी में जो मौतें हुई है ना 2012 से लेकर 2017 कितनी है जानते हैं, 66 है, और साल 2017 से 2023 51 है। आप ये बताइए ना, मैं लड़खड़ा नहीं रही हूं, आपके टाइम पर ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है, तो इसका मतलब जंगल राज आपके हम भी कर रहे हैं। हर शख्स का यहाँ पर हक है सांस लेने का, कोई जहर नहीं दे सकता, और अगर दिया है तो वो सलाखों के पीछे होगा। हम इंतजार कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त, प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की डिबेट मुख्तार अंसारी के ऊपर थी, जो कि मऊ से 5 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनके ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है और वो 2005 से ही जेल के अंदर बंद थे। और अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि उनके दिल के दौरे पड़ने से मौत हो गई, लेकिन दोस्तों उनके परिवार का कहना है कि ये दिल के दौरे से पड़ने से मौत नहीं हुई है, बल्कि जेल में ही षड्यंत्र के तहत उनकी मौत की गई है, जिसके तहत दोस्तों पोस्टमार्टम में उनका जो शव है वो भेज दिया गया और उनकी जाँच आगे चल रही है। लेकिन दोस्तों विपक्षी दल लगातार हल्ला बोले हुए कि ये बीजेपी के प्रशासन में क्या हो रहा है, देश के अंदर कानून व्यवस्था है कि नहीं है, वगैरह वगैरह जो बातें करते हैं वो आज अभी भी वो यही प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा यार, अपराधी था जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे थे, वो मर गया तो उसमें क्या दिक्कत है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। उनके जनाजे के अंदर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई जहाँ पर उनके जनाजे में शामिल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनाजे में शामिल होते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक अपराधी के जनाजे में शामिल होना बड़ी शर्म की बात है इस देश के लिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और बात अनुराग भदौरिया साहब की, तो अनुराग भदौरिया साहब को क्वेश्चन पूछा जा रहा था कुछ और वो बता रहे थे कुछ और ही, जिसके तहत दोस्तों उन्होंने साथ ही इस डिबेट के अंदर रूबिका लियाकत की पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसके तहत दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर रूबिका लियाकत भड़क गई और उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से इस डिबेट में अनुराग भदौरिया को लताड़ के रख डाला। मैं अनुराग भदौरिया साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये अपना फेक प्रोपेगेंडा, अपराधियों को बचाना, एक ही धर्म की बातें करना, कब तक आप ये करोगे? मतलब इस देश के अंदर अपराधी अगर मौत के घाट चला जाता है या फिर उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है तब भी आपको चिल्लाना है,
तब भी आपको इस देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाना है कि भाई इस देश के अंदर कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो भाई लोकतंत्र अगर खत्म ही हो चुका है, कानून व्यवस्था अगर खत्म ही हो चुकी है, ईवीएम अगर हैक ही हो चुकी है, तो आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो? घर पे बैठो फिर, जब आपको विश्वास ही नहीं है इस देश के अंदर, इस देश की कानून प्रणाली के अंदर, तो आप क्यों चुनाव लड़ते हो? क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हो? इस देश के अंदर शर्म आनी चाहिए यार, आप एक अपराधी को बचाने की पूरी पूरी साजिश यहाँ पे कर रहे हो। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आपकी क्या राय हरियाणा के नाम से मशहूर अनुराग भदौरिया के ऊपर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।